हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हमारे घर में आ रहे हैं आयुषी के मामा मामी और नानी। और आयुषी इंतज़ार कर रही है उनकी गाड़ी का कि कब मामा मामी और नानी लोग आएंगे। देखिए वहीं तक चली गई थी, तिराहे तक। और भव्य और उसके पापा भी गए थे देखने के लिए कि आए कि नहीं आए। थोड़ी देर में आ गए थे वो लोग। देखिए भव्य और उसके पापा भी आ गए और अब आने वाले उनके मामा मामी और नानी। अभी और कुछ मोबाइल में गेम खेल रहे थे, वो लैश करे इन दोनों ने, इतने मज़े कि क्या बताऊँ। और हम लोग लगे थे किचन में अपना खाना वाना बनाने में, क्योंकि सबको अलग अलग तरीके का खाना था। कोई मिर्च वाला नहीं खाता, कोई मिर्च वाला खाता है, कोई मक्के की रोटी भी, वो सब तैयारी करने में हम लगे हुए थे। और बच्चे सब लोग खेल रहे थे। देखिए कृष्ण बाय भी कर रहे हैं और हम यहाँ पर फटाफट आलू के पराठे बनाने की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि कृष्ण तो आलू का पराठा नहीं खाते, उनके लिए प्लेन पराठा बनाया, बाकी सबके लिए आलू के पराठे बनाए थे और मम्मी के लिए बनाई थी हमने मक्के की रोटी। और भाभी और मैं बीच बीच में गपशप भी मार रहे थे, दीदी हम लोग बीच बीच में बात भी कर रहे थे और अपना काम भी कर रहे थे, क्योंकि रात में भी हम लोग देर से सोए थे। 12 बजे तक तो हम गप्पे ही मार रहे थे भाभी मैं और दीदी। और सुबह भी 4 बजे इसके पापा आयुषी के पापा ऑफिस गए, इसलिए मैं 4 बजे उठ गई थी। उसके बाद बड़ा ही मज़ा आया, मतलब जब घर में कोई आ जाता है इतना अच्छा माहौल हो जाता है ना, बच्चे भी इतने बहुत ही अच्छा लगता है, बनाना खाना बातें करना बिल्कुल रूटीन से हट के काम आते हैं। और वैसे भी अच्छा लगता है, चेंज भी हो जाते हैं। और यहाँ पे मैं आयुषी से कहती हूँ उधर का वीडियो बना, मामा जी चाय पी रहे हैं। भैया चाय पी रहा था मेरा, वो दोनों क्या कर रहे हैं। और इधर अंदर आ गई, तीन तिगाड़े काम बिगाड़े, तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ो, तुम कुछ काम बिगाड़ो, फोन लेके। ये देखिए, और तानू को तो ये बेचारे दोनों ही मार भी दे रहे थे। फिर वापस आ गए हम किचन में, पराठे सेकते जा रहे थे, गरम गरम खिलाते जा रहे थे सब लोगों को। और इधर बना करने के बाद ये देखिए तानू मैडम लगी है फोन पे, बेचारी सब यही समझ के आ रही है। दोनों खा रहे थे हमारे राम लक्ष्मण सॉस और पराठा, वो भी सॉस पराठा और वो भी सॉस पराठा। भव्य तो सुबह नाश्ते में सॉस पराठा ही खाते थे। देखिए चटनी रखी है, बटर रखा है, बट सॉस पराठा ही खाना था उनको। कार्टून देखते जा रहे थे और खा रहे थे अपना खाना। और फिर मम्मी को आग जलाने के लिए वो कर रही थी, और यह मम्मी को हमने बिस्तर में ही खाना दे दिया था, क्योंकि बहुत ठंडा है रुड़की में, दिल्ली में दिल्ली से भी ज़्यादा ठंडा हो रहा था। तो हमने बोला आप अंदर ही खाना खा लो। हमारी सासू जी मतलब मम्मी जी सोच रही थी कि थोड़ा आग वाग जला दूँ इनके लिए, बहुत ठंडा हो रहा है, तो उसकी व्यवस्था कर रही थी। तो बच्चे लगे हुए हैं यहाँ पे अपना, और कृष्ण बार बार ठंडा पानी मांग रहे थे। भाभी उनको गुनगुना मिला के दे रही थी, बार बार बोल रही थी मुझे ऐसा पानी मत दो। और भाभी उनको बोल रही थी यहाँ पे बुआ के घर में ऐसी पानी आता है बेटा, पी लो पी लो। आराध्या को मेरा नाम पानी पी रखा करी ना, आराध्या को सुन दो बोल दे, आराध्या वो आधे की खुशी है, कहते पर फोन नंबर है। इसका डबल है, डबल है, अच्छा सब डबल है तो है। हां लेकिन ये चाय पियोगी तानू? और इतना ठंडा हो रहा था तो हम लोगों ने आग जलाई थी, आग से सब। और फिर उसके बाद थोड़ी देर में धूप निकल गई तो हम लोग आ गए छत में। उसके बाद और त्रिशु का हो गया स्टार्ट गेम खेलना कूदना धमा चौकड़ी। देखिए भाभी उनको बोल रही है जूते ले आओ।
काटेगी नहीं वो। भवे कहाँ पे किया आपने? ओ माय गॉड, इतनी महंगी लकड़ी क्यों तंग कर रहा उसको? रक्षा नहीं कर रहा वो रक्षक नहीं, वो भक्षक है। तेरी नहीं बना रही हूँ मैं, इसी की बनाओ। ये है मिस आराध्या, ये आई है दिल्ली से, बहुत शर्मीली आयुषी से भी ज्यादा। आयुषी तो हमारे सब्सक्राइबर कहेंगे तानिया आपकी पीठ भी अच्छी है, शक्ल नहीं दिखा रही हूँ, कोई बात नहीं। पीठ कठुली खाना है। उसे वो कर रही है अपनी स्वेच्छा से कर रही है, मैंने कोई जबरदस्ती नहीं 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 कर कोई खराब नहीं करता। वो कहाँ गया? अच्छा क्या कर रहा वो? टमाटर निकाल लो ठीक है, लहसुन टमाटर हरी मिर्च ना तुछो। अच्छा ऐसे बोलते हैं भैया है वो? कृष्ण बाप दादागिरी यार तुम कैदियों की तरह देखते रहो यहाँ से। खोल भगवान के लिए खोल दो कृष्ण, कृष्ण प्लीज खोल दो। खुला तेरा दोस्त है वो, बोल प्लीज बोल। अबे खोलेगा तो अभी दादागिरी नहीं दिखाते। कृष्ण खोलो बेटू, बुआ बोल रही है बेटा खोल जल्दी चल आजा। तुझे भगवान का वास्ता खोल। ओ ये मिट्टी कहाँ से लाई, ये क्या हुआ? ये भूमि ने करा होगा, ये दीवार में मिट्टी कैसे डाली है बताओ पहले? ये दीवार में फिर थोड़ी सी भूख लगी थी सब थोड़ी मैगी बनाई तो सब बच्चों ने मैगी खाई, बड़े लोगों ने तो चाय पी ली थी और बच्चे बच्चे मैगी खा रहे थे। और मैगी खाने के बाद कृष्ण को देखिए फ्रेंड्स कैसे मैगी इंजॉय कर रहे हैं अपनी। और उसके बाद मैगी खाने के बाद फिर उनका जाने का टाइम हो गया था।
और फिर हो गया था टाइम जाने का, मम्मी टीका भी कर देती लोगों को, सबको बुरा भी लग रहा था क्योंकि बहुत मजा आया। एक तो इतने 5 साल बाद ये लोग आए थे हमारे घर पे, मतलब भाभी तो, भाभी और तानू तो 7 साल बाद आए और मम्मी और भैया तो भव्य के नामकरण में आए थे। तो देखिए, और भव्य और कृषु ने तो टीका भी मिटा दिया था शीशे में देख करके। इसके बाद टाइम हो गया जाने का। भव्य तो बहुत मिस कर रहे थे कृषु को, बाद में बोल रहे थे मम्मा कृषु मुझे याद कर रहा होगा ना, बहुत याद कर रहे थे कृष्ण को। देखिए उसके बाद खीर बनाना ना, खीर में डाल देना वो वाली चाय बनाना। जब आएगी ना मुझे फोन कर देना, वो मेरे लिए बनाकर रखना, मैं तेरे लिए वो बनाकर रखूंगी, ठीक है? हाँ, अब तो बड़ी हो गई समझदार। मामी आपकी इयर रिंग अच्छे लग रहे हैं। चलिए फ्रेंड्स, हो गया था जाने का टाइम। नहीं नहीं नहीं, नहीं। जा रहे थे सब एक दूसरे से मिल लिए, फेयरवेल छुए, फिर हो गया ओके टाटा बाय बाय। मम्मी राजधानी है उनकी, 46 में है ना, 46 में फिर कहीं जाम जूम लग गया है। हाँ, फिर गाड़ी चली जानी, फिर जाम जूम थोड़ी देर पहले चले जाओ, वो कोई दिक्कत नहीं। तानु भाई, तानु भाई, तानु भाई, बाय कृषु भाई, बाय बाय बेटू।